चलिए अब जो हम टॉपिक करेंगे ये है लोकस्ट स्वार्म्स के ऊपर, लोकस्ट अटैक। मैं इसके बारे में सारा कंसेप्ट आपको बताता हूँ। टॉपिक का नेम है द लोकस्ट अटैक। क्लियर एस्पेक्ट? ये किस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं हम जब बात कर रहे हैं, तो डेजर्ट लोकस्ट, ये डेजर्ट लोकस्ट में आते हैं। क्लियर एस्पेक्ट? कहने का मतलब अगर हिंदी में देखेंगे तो इन्हें हम टिड्डी कहते हैं, और जब हम इसके साथ वर्ड जोड़ देते हैं स्वॉर्म, तो स्वॉर्म का मतलब होता है झुंड या दल, तो ये हो जाएगा टिड्डी दल, टिड्डी दल का आक्रमण। याद रखिए ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीसीएस और यूपीएससी में जब भी ये गतिविधियां हों ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसके रिलेटेड हम टेक्निकलिटी सारी आपको बताते हुए चलेंगे, अच्छे से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। क्यों मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूँ उसको समझिए। टिड्डी यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो ग्रास हॉपर्स, जैसे आम भाषा में हम कहते थे ना राम जी का घोड़ा बचपन में हरे रंग का, सब देखते होते थे ना, पकड़ पकड़ के घर पे उड़ के आ जाता था। कई ब्राउन कलर की होती हैं, तो इसकी कई वैरायटीज होती हैं, उन्हें टिड्डियाँ कहा जाता है। टिड्डी टिड्डे तो टिड्डी दल यानी कि द लोकस्ट स्वॉर्म। क्या कहानी है सारी? अगर आप भारत की बात करें तो भारत में दो राज्य जैसे गुजरात राजस्थान और हरियाणा, ये तीन राज्य तकरीबन लोकस्ट अटैक से प्रभावित रहने वाले राज्य हैं। इनमें इस बार जो हुआ है वो ये हुआ है कि गुजरात के बनासकांठा यानी कि कच्छ से ये एंटर हुई भारत में, और बनासकांठा, महसाना और पाटन तकरीबन वेस्ट रीजन के जितने भी इलाके हैं, तो बनासकांठा, पाटन, महसाना इन इलाकों में 5000 हेक्टेयर यानी कि 12000 एकड़, 5000 हेक्टेयर यानी कि 12000 एकड़ की ज़मीन में खेती बाड़ी लगभग नष्ट कर दी गई है इनके द्वारा, लगभग नष्ट कर दी गई है लोकस्ट अटैक के द्वारा। आई बात समझ में? कौन सी खेती नष्ट की गई है? इस समय रबी की क्रॉप लगाई जा रही है। रबी की क्रॉप वो होती है जिसे हम विंटर क्रॉप भी कहते हैं, यानी कि ये ऑटम सीजन के अराउंड लगाई जाती है और समर स्टार्ट होने के पहले ये काटी जाती है, समवेयर अराउंड मार्च अप्रैल के अराउंड। इसमें इस समय जो फसलें वहाँ पर लगी, जो नुकसान की गई हैं, इनमें मस्टर्ड इम्पॉर्टेंट था, इनमें व्हीट इम्पॉर्टेंट था और इनमें कैस्टर इम्पॉर्टेंट था। सरसों थी, गेहूँ था, जीरा था, इस तरह की फसलें थी जो वहाँ पर, कैस्टर इज़ नॉट जीरा, मैं जीरा वैसे बता रहा हूँ कि सरसों थी, गेहूँ थी, जीरा था, इस तरह की फसलों को नुकसान बड़े लेवल पर पहुँचा है। समझ आई? अब मुद्दा यहाँ पर यह बनता है कि ऑलरेडी हमारी कंट्री की जीडीपी स्लो डाउन के फेज से गुजर रही है। वो इसलिए गुजर रही है क्योंकि फार्मिंग सेक्टर में एक डिस्ट्रेस देखा गया है, और हमारे देश का 68% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है, और टोटल पॉपुलेशन की बात करें, कंप्लीट टोटल वर्किंग पॉपुलेशन की बात करें, तो 58% के अराउंड एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। अगर हम एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स भी ले लें और इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट भी ले लें, तो 82% एग्रीकल्चर में जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे में एग्रीकल्चर सेक्टर के हार्म होने से फर्दर फार्मिंग डिस्ट्रेस बढ़ सकता है, और रूरल एरिया से जो डिमांड ऑलरेडी सप्रेस हो रखी है, मांग कम हो रखी है पदार्थों के लिए, उसकी वजह से ही सप्लाई कम हो रखी है। सप्लाई कम हुई है तो फिर प्रोडक्शन भी कम हुई है, और प्रोडक्शन कम होने की वजह से ही एम्प्लॉयमेंट भी कम हुई है। एम्प्लॉयमेंट कम होने की वजह से परचेजिंग पावर कम हुई है, और परचेजिंग पावर कम होने की वजह से लोगों की मांग कम हो गई वर्ल्ड इंडिया लेवल पर, इसकी वजह से ही जीडीपी की फिगर्स इतनी डाउन गई हैं। तो इकोनॉमिक स्लो डाउन और भी एक्सेलरेट हो सकता है अगर इस तरह से खेती बाड़ी के इलाके में हमें एक डिवास्टेशन देखने को मिलेगा, तो इसका इकोनॉमी के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आई बात समझ में? सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर इतने बड़े लेवल पर फसल नुकसान हो चुकी है, 12000 एकड़ के अराउंड फसल को अगर आप नुकसान करेंगे, तो ये फूड सिक्योरिटी का भी एक स्ट्रॉन्ग इशू बनता है। देश में ऑलरेडी माल न्यूट्रिशन बड़े स्तर पर है, 40-45% बच्चे भारत के कुपोषित हैं, माल न्यूट्रिशन का स्टेट ऑफ अफेयर बहुत ख़राब है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, ऑलरेडी वुमेन एनीमिया की शिकार हो रखी हैं, कुपोषण, पॉवर्टी, गरीबी रेखा से नीचे के लोग, और भूखमरी यानी कि क्रॉनिक हंगर,
हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, ये तीन चीज़ें हैं जो भारत को भीतर से ख़त्म कर रही हैं। ऐसे में अनाज का नुकसान हो जाना फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम को और भी एग्जैजरेट कर देगा, बढ़ा देगा। आई बात समझ में? तो ये इस दिशा से भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस हिसाब से अगर हम इस समय देखें तो इसका महत्व आपको यहीं से समझ आ जाएगा कि केवल गुजरात राज्य ने ही टोटल 27 डेडिकेटेड पार्टीज़ बनाई हैं जो इससे निपटेंगी, और केंद्र सरकार ने टोटल 11 रिसर्च टीम्स और फायर फाइटिंग टीम्स, फायर फाइटिंग का मतलब यहाँ पर यह है कंट्रोल टीम्स, वो वहाँ पर भेजी हैं जो इस मामले से निपटना चाह रही हैं। तो सोचिए, मामला बहुत गंभीर है। अब इसको हम समझते हैं ये होता कैसे है सारा सिस्टम। देखिए ध्यान से समझिए, ये मान लीजिए अरेबियन सी है, ठीक है, क्लियर आस्पेक्ट, और ये मान लीजिए यहाँ पर गल्फ ऑफ पर्शिया है, और ये आपको पता है सऊदी अरेबिया, ये यहाँ पर रेड सी है, और ये यहाँ पर आपको पता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे एरिट्रिया है, एथोपिया है, सोमालिया है। एरिट्रिया, एथोपिया, सोमालिया इनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, यहाँ के हॉट एरियाज। तो मुद्दे की बात यह है कि लोकस्ट ट्रॉपिकल रीजन में जन्म लेते हैं। मतलब मैं यहाँ से ट्रॉपिकल रीजन शब्द से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो एरिया है ये इक्वेटर है। इसके बीच में 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसके बीच का एरिया ट्रॉपिकल है। इस रीजन में पूरे वर्ल्ड के लैंड मास का 20% लैंड मास लोकस्ट अटैक से अफेक्टेड रहता है, और ये ईस्ट अफ्रीका यानी कि एरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया से शुरू होके सऊदी अरेबिया और यमन, ईरान, अब पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और चाइना तक के इलाकों को, यानी कि ईस्ट अफ्रीका से ईस्ट एशिया तक इसकी मार रहती है। टोटल 20% लैंड इसके इन्फ्लुएंस एरिया में रहता है, ये एक बड़ी चीज़ है। इस साल भी ये जो लोकस्ट स्वॉर्म भारत में आया है, ये एरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया इन्हीं इलाकों में बना, और लगातार भारत में आने वाले यहाँ पर बनते हैं। यहाँ से जन्म लेने के बाद ये यहाँ पर पहुँचा यमन, यमन से सऊदी अरेबिया, यहाँ से ईरान, ईरान से ये एंटर हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान से वाया सिंध, सिंध के इलाके, ये कच्छ होते हुए गुजरात, गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों में, फिर बनसकांठा, महसाना, पाटन को अटैक करते हुए आज ये राजस्थान में भी फैल गया है। ये इसका पाथ रहा है। आई बात समझ में? टिड्डी दल, इनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए टिड्डियाँ यानी कि लोकस्ट आमतौर पर ये बहुत शाये होती हैं और ये सॉलिटरी जीवन बिताती हैं, यानी कि ये अलग थलग जीवन जीने में यकीन रखती हैं और बिल्कुल शांत। अगर आप घर पे रात को बैठे हैं, एक अमूमन हो जाता है, मैं देखता हूँ ब्राउन कलर की अगर कोई टिड्डी आ गई आपकी पैंट या शर्ट पे बैठी है या चद्दर पे या पर्दे के साथ लगी हुई है, लगी रहती, कुछ नहीं करती, हिलती जुलती भी नहीं, आप बहुत ज़्यादा अगर हिलाते हिलाते हो फिर वो उड़ती है। वेरी शाय एंड वेरी सॉलिटरी। लेकिन इनमें एक खास चीज़ पाई गई है, जैसे ही ये ग्रुप्स में अरेंज होती हैं ये एजिटेटेड हो जाती हैं, ये बहुत वायलेंट होती हैं, उग्र हो जाती हैं। लंबे समय तक साइंटिस्ट इसका पता लगाते रहे, फाइनली पता लगा है कि इनके अंदर सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल फॉर्म होता है जो लगभग एनिमल्स के, ह्यूमंस की बॉडी में, ब्रेन में फॉर्म होता है। वो इनके बॉडी के मिडल पार्ट में जब क्रिएट होता है, इनकी लेग्स, इनके विंग्स पर इम्पैक्ट करता है और ये बहुत एजिटेटेड हो जाती हैं। ऐसे में इनके इस एजिटेटेड एक्टिविटी की वजह से इनका हंगर इंक्रीज होता है, और उस हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए फिर ये क्रॉप्स को नुकसान करती हैं, यानी कि ये लगभग हर्बीवोरस होती हैं और ये पौधों को खाती हैं। आई बात समझ में? जब ये छोटे वर्जन में होती हैं, पंख पूरी रूप से निकले नहीं होते, इन्हें विंग निम्फ कहा जाता है, और जब ये पूर्ण रूप से विकसित होकर के पंख आ जाते हैं तो इन्हें विंग एडल्ट्स कहा जाता है। कहर ढाने वाली विंग एडल्ट कहलाती हैं। ये पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम से जानी जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है शिस्टो सरका ग्रेगेरिया, शिस्टो सरका ग्रेगेरिया, इस नाम से ये जानी जाती हैं। ये लगभग हर साल भारत आती हैं, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बाहर से भारत आती हैं, ये भारत में भी बनती हैं, कुछ स्पीशीज़ भारत में भी बनती हैं।